सलमान खान और कैटरीना कैफ ने सेंट पीटर्सबर्ग में ग्रैंड कार चेज एक्शन सीक्वेंस के साथ शुरू की टाइगर 3 की शूटिंग। सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक्शन थ्रिलर टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त टाइगर 3 की शूटिंग फुल स्पीड से शुरू हो चुकी है। सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं। मनीष शर्मा के निर्देशन में बन रही टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शुरुआत रूस से होगी, जहां खतरनाक एक्शन सीक्वेंस फिल्माए जाएंगे। रूस के अलावा सलमान खान और कैटरीना कैफ कुल 5 इंटरनेशनल लोकेशंस पर टाइगर 3 की शूटिंग करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल है। टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के बारे में डिटेल्स में जानकारी देते हुए फिल्म से जुड़े सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि टाइगर 3 की शूटिंग फिलहाल सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हो रही है। रूस का शेड्यूल एक ग्रैंड कार चेज एक्शन सीक्वेंस के साथ शुरू हुआ। इस दौरान भारतीय और रूसी यूनिट्स बहुत अच्छी तरह से तैयार लग रही थी और उन्होंने कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों का भी पालन किया। साथ ही शूटिंग के दौरान रूसी अधिकारी पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि शूटिंग बिना किसी रुकावट के हो सके। सूत्र ने आगे बताया, महामारी प्रतिबंधों के बावजूद आदित्य चोपड़ा ने ये क्लियर कर दिया है कि फिल्म की भव्यता और स्केल पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। फिल्म के लिए आदि के विजन को ध्यान में रखते हुए कार चेज सीक्वेंस को भी अंजाम दिया जा रहा है। फिल्म निश्चित रूप से देखने लायक होगी, खासकर बड़े पर्दे पर। खबरों की माने तो रूस के शेड्यूल खत्म होने के बाद सलमान, कैटरीना और टाइगर 3 की टीम तुर्की और ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, जहां फिल्म के कुछ अहम सीक्वेंस शूट किए जाएंगे। टाइगर 3 की सबसे खास बात होने वाली है इस फिल्म के विलेन, जिसे इमरान हाशमी निभा रहे हैं। हालांकि सूत्र ने बताया कि इमरान हाशमी रूस शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। इस बारे में सूत्र ने अंत में बताया, इमरान तुर्की शेड्यूल का हिस्सा बनेंगे।